नमस्कार। शामली जिले में वैसे तो 10 नगर निकाय हैं, लेकिन सबसे बड़े नगर निकाय की बात करें तो उसमें नगर पालिका परिषद शामली है। यहां से 2017 में अंजना बंसल चुनाव जीती थी। वह पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल की पत्नी है और कुछ दिन पहले ही वह अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। निर्दलीय उम्मीदवार रही अंजना बंसल को 25,780 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर भाजपा की उम्मीदवार दीपिका संगल थी, जिन्हें 19,274 वोट मिले थे। तब सपा उम्मीदवार सुमन शर्मा को 5,000 से भी ज्यादा वोट मिल गए थे। तब शामली में कुल वोट 91,580 थे। इस बार यह संख्या 1,00,000 से अधिक रहेगी। नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में भाजपा से इस बार दीपिका संगल, पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल, पंकज गुप्ता, प्रतीक अग्रवाल, विशाल गुप्ता प्रमुख नाम है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट न मिलने पर निर्दलीय ताल ठोकेंगे। खैर, चुनाव से पहले टिकट की जंग चल रही है और दावेदार बड़े नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से प्रमुख और मजबूत दावेदार विजय कौशिक बताए जा रहे हैं। अगर आरक्षण में सीट महिला रही तो पिछली बार की तरह उनकी पत्नी सुमन शर्मा चुनाव लड़ सकती हैं। गठबंधन के टिकट की रेस में धर्मवीर निर्वाल भी हैं। खैर, अन्य दलों के दावेदार भी अभी और सामने आएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की भी कमी नहीं रहने वाली है।